नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं का संस्कृत का पेपर जो आपका होने वाला है, स्टूडेंट्स पेपर में क्या आने वाला है, क्या आएगा, ग्रामर के क्वेश्चन में क्या आएगा और किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, पूरा हम यहां पर देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे। त्रैमासिक परीक्षा का आपका जो पेपर होने वाला है इसी पैटर्न पर आएगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पेपर को थोड़ा सा आप क्लियर करके देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही मुश्किल से ये पेपर मिल पाया है। देखिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरा पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूँ। रामात पदे विभक्ति अस्ति, रामात पद में विभक्ति जो होगी वो हो जाएगी पंचमी। वयम पदे वचनम अस्ति, तो वचनम होगा बहुवचनम। पितृणाम पदे विभक्ति अस्ति, तो ये हो जाएगी षष्ठी। राज्ञी राजनी पदे वचनम अस्ति, तो राज्ञी ही राजनी पदे जो वचनम है वो एकवचनम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। सदाचार एव परमो धर्मा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, तो एव क्या हो जाएगा आपका, अव्यय हो जाएगा, ग ऑप्शन आपका राइट होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम् पदम अस्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से अव्यय है, तो देखिए यहाँ पर राम नहीं है, रूपम भी नहीं, कदा भी नहीं, कदा है, कदा है अव्यय, कदा, कदा आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। जोड़ी देखिएगा, सॉरी खालिस्तान देखिएगा। पीवामी, पीवामी में आपको क्या बताना है, वचन बताना है, तो यहाँ पर एक वचन आपका राइट आंसर होगा। भवेताम में आपको क्या बताना है, धातु बताना है, तो भू धातु आपका हो जाएगा। गच्छन्ति में आपको क्या बताना है, लकार बताना है, तो यहाँ पर आपका लट लकार हो जाएगा। लिरिट लकारस्य उदाहरणम अस्ति पठिष्यति, प्रचार्य पद उपसर्ग है प्रा छोटा वाला, अवतार पद उपसर्ग अस्ति औ। अब जोड़ी हम देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक देख। अब समय आपके पास बहुत कम रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, अच्छे नंबर प्राप्त करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जाना है। मनोरथा, मनोरथा में संधि कौन सी होगी, विसर्ग। द्विगु समास का उदाहरण होगा त्रिभुवनम। हिमालय में जो संधि है वो दीर्घ संधि। लंबोदर का लंबोदर में जो समास है वो बहुरी समास। हरि वंदे का क्या हो जाएगा, हरिम वंदे। दीन, दीनाय दानम, तो दीन दानम, ये आपकी हो गई जोड़ी। उसके बाद में एक पद्म उत्तर देना है, तो बता देते हैं यहाँ पर। कत्वतु प्रत्यय एकम उदाहरणम, कत्वतु प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है, ठीक है, कत्वतु प्रत्यय का एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पठितुम, सॉरी पठितवान, पठितवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति आदाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लियप, लियप आपका राइट आंसर होगा। बाला का प्रत्यय अस्ति टाप, तीसरे में टाप। ये अत्र जीवितम किदृशं जातम, तो यहाँ पर आंसर होगा दूर्वम, दूर्वम राइट आंसर होगा। सर्वदा सर्व कार्य सुखा बलवती बुद्धि, पिता पुत्राय बाल्य किम यश्यति विद्या, विद्या राइट आंसर होगा। हो गए सभी क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर आमना देख लीजिए, ठीक है, ये पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा ऐसा देखने को मिल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। दानवाय पदस्य विलोम पदम, मानवाय अस्ति, तो इसमें लिखोगे आम, है ना, आम। आम्रम पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति पर्यायवाची, बिल्कुल आम, इसमें भी आम लिखोगे। विशाल ग्रामा इत्यस्मिन् पदयो ग्रामा विशेषणम अस्ति असत्य, मतलब ना लिखना है, क्या लिखना है, ना, ये लिखा है ना। चौथा मधुराणी गीतानी इत्यस्मिन् पदयो गीतानी विशेष, बिल्कुल विशेष आम, इसमें भी आम लिख लीजिए। सूर्य पदस्य पर्याय इमकार अस्ति असत्य लिखिएगा, हिमकर नहीं होगा। जलम पदस्य विलोम पदम निरख, हाँ ना, हाँ नहीं, ये जलम होगा, ये जलम है, ये नीरम है, तो बिल्कुल आम हो जाएगा।
सॉरी सॉरी नहीं ना होगा, क्योंकि विलोम थोड़ी ना होता है, पर्यायवाची होता है, यहाँ विलोम दिया है या विलोम दे रखा है कि जलम का विलोम क्या होगा, नीरम होगा, पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर ना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद भी पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो देख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके प्रश्न निर्माण है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, थोड़ा आपको ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए नहीं दे रखा है क्योंकि बड़ी मुश्किल से पीडीएफ प्राप्त करा है। देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।